का आगाज किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रविवार को उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए घुमारवी की अमरपुर पंचायत में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज किया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय अमृत काल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि शहीद बहादुरों के सम्मान के लिए ऐसा अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर घर में देश प्रेम व देश के प्रति उत्साह जगाएगा। अभियान के तहत घुमारवी भाजपा हर बूथ के हर घर तक जाएगी। हर घर से एक चुटकी मिट्टी एकत्रित कर कलश में डाली जाएगी। घुमारवी के 111 बूथों पर कलश रखे जाएंगे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता हर घर में जाकर मिट्टी एकत्रित कर उन कलशों में डालेंगे। मंडल स्तर पर सभी कलशों को एकत्रित कर दिल्ली भेजा जाएगा। इस मिट्टी को दिल्ली के शहीद स्मारक में बन रही अमृत वाटिका में लगाया जाएगा। घुमारवी भाजपा का ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भुला दिए गए स्वतंत्र सेनानियों को याद करने की एक नई दृष्टि दी है। बहुत समय के बाद भारत ने ये पल देखा होगा जिसमें ऐसा कोई भी घर नहीं था जिस पर तिरंगा ना दिख रहा हो। शायद आजादी के समय भी इतने तिरंगे नहीं दिखे होंगे जितना पीएम मोदी के आह्वान पर तिरंगे फहराए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अमरपुर पंचायत में लोगों के घरों से चुटकी भर मिट्टी एकत्रित कर कलश में डाली तथा पौधारोपण किया। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री पंकज चंदेल, सेक्टर प्रभारी कैप्टन सुरजीत, सह प्रभारी जैन सिंह, रमेश संख्या, अनीता विकास राव, देवराज, रणवीर सिंह, सुरेश वैद्य, केहर सिंह, दिलीप सिंह, रामदास ठाकुर, हंसराज रितु व पितु राम धर्माणी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शहीद स्मारक दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए आज हमारे घुमारवी मंडल के ग्राम पंचायत अमरपुर और पुनौल के अंदर आज घर घर से मिट्टी एकत्रित करने का कार्य शुरू किया और यह मिट्टी कलशों के माध्यम से एकत्रित की जा रही है घर घर जाकर, और यहाँ से ये कलश जो है मंडल के माध्यम से फिर दिल्ली पहुँचाए जाएंगे, जहाँ जो अमृत वाटिका बनेगी उस अमृत वाटिका में या पूरे देश भर की मिट्टी जो है उस अमृत वाटिका में लगेगी। और जो हमारे शहीद हैं, वीर सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके घरों पर विशेष रूप से जाकर और उनका अभिनंदन करके उनके परिजनों का यह भी कार्यक्रम साथ में सम्मिलित किया गया है, ताकि पूरे देश भर में घर घर में देशभक्ति का जज्बा जो है लोगों में पैदा किया जाए, आगामी पीढ़ी को भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत किया जाए। इस प्रकार का यह कार्यक्रम आज हमारे मंडल में शुरू हुआ, इसके लिए मैं सभी इलाका वासियों से अपील करता हूँ कि अपने घर से सब एक एक चुटकी मिट्टी की देकर दिल्ली में बनने वाली उस अमृत वाटिका के निर्माण में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।